हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका मेरे नए ब्लॉग में बहुत स्वागत है। तो आज हम गए थे मंदिर, हमारे मंदिर में थोड़ी सी इनविटेशन थी एक, तो हम वहाँ मंदिर गए थे। दोपहर का टाइम था, तो आज मंदिर में जो था वो मतलब हमारे कुछ फ्रेंड्स आ रहे मिल के, वो हल्दी कुमकुम के कुछ रिचुअल्स या फेस्टिवल जो था उनका वो कर रहे थे। तो उसमें क्या है, जो मराठी रिचुअल्स में इनकी कोई पूजा होती है और ये मकर संक्रांति के बाद होती है। तो देखिए यहाँ पे बच्चों को उन्होंने कैसे फ्लावर से सजाया गया है, इनकी पूजा हुई, फिर उसके बाद ये फल और चॉकलेट और बहुत कुछ जो भी पूजा में चढ़ाया जाता है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो बच्चों को पसंद होती है, वो सारे चीज़ ऐसे इनको ऊपर डालते हैं और जो दूसरे छोटे छोटे बच्चे रहते हैं वो सारे लूटते हैं। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। फर्स्ट टाइम मैंने ये देखा, ये रिचुअल मैं से पहले कभी नहीं देखी थी, तो फर्स्ट टाइम मैंने ये रिचुअल ऐसे देखा, तो अच्छा लग रहा था देखने में। बच्चे जो भी थे, सारे जो भी चॉकलेट्स थे, ड्राई फ्रूट्स थे, मटर, ये सारे बच्चे उठा उठा के ला रहे थे, जमा कर रहे थे। तो ये एक्चुअली बच्चों की पहले पूजा होती है, उसके बाद जो भी सुहागने रहती है उनको हल्दी कुमकुम लगाया जाता है। तो ये इनकी जो फेस्टिवल, ये जो बोलते हैं हल्दी कुमकुम नाम से जाना जाता है। तो ये जो भी रिचुअल था, ये पूजा होने के बाद यहाँ पे सब बैठे हुए थे, बातें बातें कर रहे थे, फिर सबको नाश्ता दिया जाता है, नाश्ता होता है और फिर बाकी का जो भी रिचुअल है वो होता है। तो हम लोग फ्री थे, तो हमने सोचा कुछ फ़ोटोज तो उठा लिया जाए। हम लोग फ़ोटो सेशन कर रहे थे और इधर देखिए यहाँ पे जो भी सबके लिए नाश्ता की प्लेटें लग रही थी। तो ये फंक्शन जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था, उन्होंने अपने घर से ये सारे बना के लाए थे, उन सब लोग मिलके, सब अलग अलग सब कुछ मिलके इन्होंने बनाया था और फिर सबके लिए ये प्लेट्स लगा रहे थे। इधर देखिए सब घर पे ही अपने बना के, देखिए इनके सारे जो भी हैं सब लेके आए थे। तो जो हमारे जो उन्होंने अरेंजमेंट किए थे खाने का, तो उसमें इडली, चना मसाला, चूड़ा, तिल के लड्डू, ये सारे थे। बहुत ही टेस्टी थे सारे खाने, और सबसे ज़्यादा तो चूड़ा जो फर्स्ट टाइम मैंने खाया, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये है वो हल्दी कुमकुम जिसके बारे में बता रहे थे कि जो फंक्शन जिसकी होती है सुहागने को हल्दी कुमकुम का मेन टीका लगाया जाता है। तो खाना वाना खिला के उसके बाद हल्दी कुमकुम टीका लगाते हैं, फिर आंचल भरते हैं, एक ये जो भी करते हैं एक से दूसरे के आंचल भरते हैं, यही इनकी रिचुअल्स है। तो फर्स्ट टाइम देखा मैंने, तो अच्छा लगा था ये।
तो फिर इन सब रिचुअल्स के बाद हमने कुछ फ़ोटोज़ लिए, ग्रुप फ़ोटो वोटो ले लिया। उसके बाद फिर घर वापस आ गए, क्योंकि शाम में भी एक जगह इन्विटेशन थी हल्दी कुमकुम के रिगार्डिंग, तो फिर वहाँ पे भी जाना था। तो जल्दी फिर घर आ गए, थोड़ा रेस्ट किया, फिर शाम को रेडी होके फिर वहाँ पे भी गए। तो वहाँ पे था, उन्होंने घर के सामने बहुत सुंदर सी रंगोली बनाई हुई थी, अच्छी लगी थी। देखिए कितनी सुंदर सी रंगोली बनाई है इन्होंने, और फिर घर में पूरा उनका डेकोरेशन वगैरह बहुत सुंदर से किया था, अच्छा था, देख के बहुत अच्छा लग रहा था ये सब। फर्स्ट टाइम ये मतलब अलग रिचुअल्स को देखना, बहुत ही एक अलग एक्साइटमेंट, एक अलग ही फीलिंग्स आती है। तो जिनके घर हम गए थे शाम में, उनकी भी बेटी थी, तो उनकी बेटी को भी ऐसे फूलों के गहने से सजाया गया। जो भी मतलब जिसकी भी पूजा मतलब जो बच्चों की होती है, तो उनको भी इस तरह के फूलों के गहने से उन्हें पहले सजाया जाता है। फिर उसके बाद फिर उसे आसन में बैठा कर फिर उसकी आरती, फिर उसे हल्दी कुमकुम लगाते हैं, और फिर उसके बाद बाकी जो भी पूजा होती है वो करते हैं। देखिए यहाँ पर वही रिचुअल्स जो है वो हो रही है। चलिए लड़कियों को ही की जाती है, लड़कियाँ ही जो रहती हैं उन्हें ही होती है ये चीज़। तो देखिए ये पूरा रिचुअल्स अभी आपको ये वीडियो में देखने को मिलेगा कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पे भी सेम वैसे रिचुअल्स हो रहे थे, जो रिचुअल्स हमने सुबह मंदिर में देखा था सेम उसी तरह से ही यहाँ पे भी हो रहे थे। बच्चों के ऊपर सारे फल, अनाज, मिठाइयाँ, चॉकलेट, ये सारे बच्चों के ऊपर छींटे जा रहे थे, और बाकी जितने लोग थे, जितने बच्चे थे, सब इस चीज़ों को लूट रहे थे। तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। सिर्फ बच्चे क्यों, बच्चे की मम्मियाँ भी चॉकलेट और मिठाइयाँ ये सब ले रहे थे। तो बहुत ही इंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा। मिसिता भी बहुत सारा चॉकलेट पकड़ ली थी, और सारा चॉकलेट एक बार में ख़त्म भी कर दी वहीं पे ही। फिर हमने नाश्ता किया, उसके बाद फिर वहाँ पे सबको हल्दी कुमकुम लगाया गया, आंचल भरे गए, और फिर सबने एक साथ मिलके ग्रुप फ़ोटो वगैरह लिया। बहुत अच्छा लगा, आज का सारा दिन बहुत अच्छा बीता, एक नया चीज़ देखने मिला, बहुत ही अच्छा लगा ये देख के। तो आज का ब्लॉग मैं यही ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए के साथ। तब तक आप मेरे साथ यूं ही बने रहें। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग गाइज़।